आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर दूसरा हफ्ता भी जो है अब खत्म हो चुका है, रादर एक नए हफ्ते की जो शुरुआत हुई है काफी बड़े काफी ग्रैंड नोट पे होती हुई नजर आ रही है, जहां पे नए हफ्ते के स्टार्ट का एक रैंकिंग का यू कैन से रिजल्ट आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, जिसके चलते आखिर कौन बॉटम है कौन टॉप में है इसके बारे में आपको बताती हूँ। अब घर के अंदर बचे हैं 15 सदस्य, कल हो चुकी है एलिमिनेट शुजिता, तो 15 कंटेस्टेंट्स में से आखिर कौन से कंटेस्टेंट को कौन सी जगह मिल रही है, कौन टॉप पे है तो कौन बॉटम पे, चलिए शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, सबसे नीचे की पोजीशन पे आ रही है मान्या, जिन्होंने इतना ग्रेट खास कुछ कर नहीं दिखाया है लोगों को, पहले दो तीन दिन के बाद वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दी है, ना किसी के कॉन्वर्जेशन में दिखाई दी है, ना किसी का लड़ाई करते हुए दिखाई दी है, ना कहीं पे अपना स्टैंड लेते हुए दिखाई दी है, भले वो किसी और के लिए हो या फिर खुद के लिए हो, जिसके चलते सबसे बॉटम पे आ रही है मान्या, उसके ऊपर आ रहे हैं साजिद खान। साजिद खान को अगेन आई थिंक सिर्फ वीकेंड पर ही देखा जाता है, जब सलमान खान उन्हें कोई टास्क दे देते हैं या साजिद के लिए कुछ करने बोलते हैं तभी, एंड उनका आज सच कुछ गेम दिखता ही नहीं है। हर गेम में वो डिप्लोमेटिक होते हैं, ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। वो जानबूझ के सिर्फ अब्दू को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब्दू मानेगा नहीं बुरा, एंड बाकी किसी के साथ वो पंगा नहीं लेना चाहते। अभी तक उन्होंने अब्दू के ही ऊपर टारगेट किया है, और हाँ, फर्स्ट हफ्ते में शालीन को नॉमिनेट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, साजिद ने कुछ भी अलग नहीं किया है, जिसके चलते उनका नाम आ रहा है। जिसके बाद आ रहे हैं शालीन। शालीन अगेन कुछ ज़्यादा ग्रेट कर नहीं रहे हैं फिलहाल शो में। हाँ, उनकी कंट्रोवर्सी हुई है सुम्बुल टीना को लेकर, लेकिन फिर भी फेवरेट सदस्यों में उनका नाम बिल्कुल भी दूर दूर तक टॉप में नहीं है। जिसके बाद आ रही है गोरी नगोरी। अगेन कुछ ज़्यादा ग्रेट कर नहीं रही है, एक्सेप्ट फॉर वन फाइट पर शुजिता सुम्बुल, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, फिर से गायब हो चुकी है। जिसके बाद आ रही है निमृत। उसके बाद आपको बता दें कि गौतम जो है कैप्टन, वो आ रहे हैं। दोनों ज़्यादातर एक दूसरे साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन घर में ऐसा जितना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, गौतम का कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट फिर भी गौतम को भी रैंकिंग कम ही मिल रही है। बाद में आ रही है टीना। टीना भी अगेन एक्चुअली अच्छा गेम खेल रही है, वट एवर गेम शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग अ गेम फ्रॉम हर एंड। किसके लिए वो गेम है किसी के लिए नहीं है, वो अपना अपना है, बट हाँ उनके बारे में बातें हो रही है, सो कंपैरेटिवली अच्छा नंबर उन तक पहुंचा है। बाद में आ रहे हैं एमसी स्टैन। एमसी स्टैन अगेन फिर से थोड़ा बात करें, गोरी के लिए स्टैंड लिया, जिसके बाद अगेन वो ठंडे होते हुए नजर आते हैं, इतना कुछ बड़ा कर नहीं रहे हैं जिसके चलते वो इस पोजीशन पे आ रहे हैं। जिसके बाद बात करते हैं अर्चना गौतम की। सिक्स्थ पोजीशन पर अर्चना गौतम हमें दिखाई दे रही है। अर्चना गौतम काफ़ी अच्छा कर रही है, उनकी रैंकिंग डाउन थी, ऊपर आ रही है, शी इज़ डूइंग गुड, शी इज़ प्लेइंग वेल। जिसके बाद टॉप फाइव पे आते हैं। टॉप फाइव पे फिफ्थ पे आ रहे हैं अब्दू रोजिक, काफ़ी क्यूट है, लोगों को पसंद आ रहे हैं। सुम्बुल आपको बता दें फोर्थ पोजीशन पे आ रही है। पिछले कुछ दिनों से थिंग्स आर हैपनिंग उनके इर्द गिर्द, उनके पिता आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, उनके बारे में बातें हो रही है, तो यस फोर्थ पोजीशन पे है। थर्ड पे अंकित आ रहे हैं। अंकित धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है, पीपल आर लविंग इट। शिव ठाकरे नंबर टू पे आ रहे हैं। शिव और प्रियंका के बीच काफ़ी बड़ी टक्कर है, ट्रस्ट मी गाइज, क्योंकि रिपोर्ट में हार्डली 19-20 का फ़र्क है उनके वोट्स में, बाकी सबके साथ अगर वोट्स की बात करें तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, लेकिन प्रियंका शिव के बीच कड़ी 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 टक्कर है। सो यस, शिव सेकंड आ रहे हैं, लोगों को उनका गेम पसंद आ रहा है, द वे ही इज़ प्लेइंग, उनकी जेन्युइनिटी, उनका बॉन्डिंग घर के सदस्यों के साथ, नॉट ऑल, कुछ सदस्यों के साथ अच्छा है। सिरे सेकेंड पे वो है, उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रियंका अगेन नंबर वन पे आ रही है, बहुत उमदा खेल रही है, सही ट्रैक पे चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, एंड जिसके चलते उन्होंने बाजी मार ली है। वेल, क्या कुछ कहना है आपके नज़र में? मैंने तो टॉप फाइव के नंबर्स के साथ आपको बताया, बाकी जो नीचे है उनके नंबरिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके पसंद के कौन से कंटेस्टेंट्स हैं आपके नज़र के टॉप थ्री, कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। सी यू।